जो नेता छोड़कर जा रहे हैं उनको ये समझ लेना चाहिए, कांग्रेस पार्टी समुद्र है और आप जब परिवार के सामने चुनौती हो और चुनाव की चुनौती चल रही हो तब आप यदि छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं युद्ध शुरू होने से पहले, इसका मतलब आप जैसे लोग डरपोक हैं। जो किसी भी विपरीत परिस्थिति जब शुरू होती है, युद्ध शुरू होता है चुनाव जैसा, तो आप भाग कर जाने लगते हो, तो ऐसे लोगों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। राजनीति में सम्मान उन लोगों का होता है जो हर परीक्षा की घड़ी में खड़े होकर मुकाबला करते हैं, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमेशा सरकार में बने रहे पार्टियां ये संभव नहीं है। कल बीजेपी का भी राज खत्म हो जाएगा, तो बीजेपी और कांग्रेस, वैसे हमारे साथ भी आ रहे हैं लोग बीजेपी छोड़ छोड़ के, तो ये जो इधर उधर जाने का सिलसिला शुरू हुआ है, और कांग्रेस में जो ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस 70 सीटें जीती है राजस्थान में, कल कांग्रेस फिर लौटेगी, देश में भी कांग्रेस का शासन आएगा। और ये जो चुनाव इस बार बड़ा स्पेशल है क्योंकि बीजेपी सरकार को जवाब देना पड़ेगा अपने कामों का। धर्म और आस्था की आड़ में आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला नहीं दबा सकते, आप अडानी घोटाला नहीं दबा सकते, आप मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी भाग गए, बड़े बड़े घोटाले हो गए, आपने 15 लाख करोड़ के कर्जे माफ कर दिए उद्योगपतियों के, आप नौकरी नहीं दे पाए, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से पूरा देश परेशान है। आज लोगों के सामने ये सवाल खड़े हैं कि बीजेपी ने जो वादे किए वो वादा एक भी पूरा नहीं किया। बीजेपी ने तो कहा था कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत कर देंगे, हमारी पॉलिसीज आप देखिए। अब बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी ने जो चुनाव से पहले वादे किए तो उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी की हमेशा से स्टाइल रही है, जब चुनाव आए तो वादों पर बात मत करो, नई बात लेकर आओ। नई बातें लेकर जो बीजेपी आ रही है, आप ये मानकर चलना बीजेपी का झूठ, फरेब और धोखा चलेगा नहीं। बीजेपी को परिणाम भुगतने पड़ेंगे और इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी बड़ी ताकत के साथ उभरेगी। राजस्थान में भी हम अच्छा रिजल्ट देंगे और पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी।